असलम दिस इज़ इज़ियालहक यू लर्न के प्लेटफॉर्म से आज हम एक और गेस्ट को आपके साथ लेके आए आएँ मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं यासर अरफ़ात साहब आप लीडरशिप ट्रेनर हैं लाइफ कोच हैं और सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं आप काम करते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ और सिविल सर्विसेज के साथ आपको पता है कि यू लर्न क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर एफ एस प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग आई के बच्चों के लिए पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स कवर कर चुका है तो आज हम सर से बात करेंगे इसी हवाले से कि इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर बच्चों के मसाइल क्या क्या हैं और एजुकेशन टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन लर्निंग इनको किस तरीके से हेल्प कर सकती है अस्सलाम वालेकुम यासर साहब क्या हाल है आपका वालेकुम सलाम वेरी फाइन जबरदस्त शानदार यासर साहब आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली प्रॉब्लम है यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के मसाइल के बारे में यानि इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर जैसा आपको पता है कि यूलन स्पेशली एफएससी इंजीनियरिंग आई सी एस के बच्चों को उनके कोर्सेस को कवर करता है तो इस लेवल के ऊपर बच्चों को क्या क्या मसाइल और वो मसाइल सिर्फ उनकी एजुकेशन आना जाना फ़िज़िकल ट्रैवल के बारे में नहीं है तमाम तरह के मसाइल के ऊपर हम बात करना चाहते हैं तो आप क्या समझते हैं वो कौन से बेसिक मसले हैं जो कि इंटरमीडिएट लेवल के बच्चों को फेस करना पड़ते हैं आ, इस पर हर बहुत बात की जा सकती है जिया साहब के वो एक जैक बड़ी अच्छी पोइम सुनाता है कि उस पोइम का जो क्रक्स है वो ये है कि जंगल में शेर ने एक स्कूल खोलने का फैसला किया और उसमें उन्होंने चार सब्जेक्ट्स पढ़ाने को तय किया कि भाई ये चार डिसप्लिन पढ़ाए जाएंगे फ्लाइंग है स्विमिंग है रनिंग है और क्लाइंबिंग है तो उसमें जो स्क्विल है वो क्लाइंबिंग में तो हंड्रेड बाई हंड्रेड ले रही है लेकिन वो फ्लाइंग में जो है ना वो कहती है कि मुझे जो है ना वो आई I मीन mean, मेरा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा मैं फ्लाई नहीं कर सकती और टीचर उसको सर्जनिश कर रही है पेरेंट्स उसको सर्जनिश कर रहे हैं कि तुम फ्लाइंग क्यों नहीं कर सकती और जो रैबिट है वो रनिंग में हंड्रेड बाई हंड्रेड ले रहा है लेकिन जब उसको स्विमिंग का कहा जाता है तो वो कहता है मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है जो डक है वो आ, स्विमिंग में हंड्रेड बाई हंड्रेड ले रही है लेकिन जब उसको कहा जाता है कि तुम रनिंग करो तो वो कहती है मैं रनिंग नहीं कर सकती सो so, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का हाल है कि हमें हर बच्चे से हर सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स चाहिए और इस चीज़ ने हमारे स्टूडेंट्स को नफसयाती मरीज बना दिया यू कॉन्ट इमेजन कि व्हेन स्टूडेंट्स इंटरेक्ट मी तो मैं उनसे तीन सवाल पूछता हूँ मैं उनसे पूछता हूँ कि आप खुश कितने रहते हैं खुश रहने की बात नहीं कर रहा खुश कितने रहते हैं दिल से खुश कितने रहते हैं आपकी नींद कितनी पूरी होती है और क्या आप अपनी डेली रूटीन में अपने लिए या घर के छोटे मोटे कामों के लिए कोई टाइम निकाल पाते हैं तो यकीन मानें कि 90 परसेंट स्टूडेंट्स का जवाब नाम में होता है बिकॉज वो एक ही चीज़ के पीछे हैं कि हमने मार्क्स कैसे लेने हैं हमने ग्रेड्स कैसे लेने हैं सो so, जब आप मार्क्स को और ग्रेड्स को सी जी पी ए को सी जी पी ए को अपनी एजुकेशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो ऑबियसली ये जो नफसयाती मसाइल है ये आपके जिंदगी के साथ साथ चलेंगे और आई uh, मीन I mean, के दिस इशूज़ मस्ट नीड टू बी एड्रेस्ड तो दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट देर आर मैनी अदर चैलेंजेस आई मीन के आ, आ, अगर हम बात करें दूर दराज के एरियाज़ की बिकॉज़ वहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की आई मीन I mean, एन टेस्ट की तैयारी करना चाहती हैं वो चाहते हैं कि जी वो मैट्रिक के बाद किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें लेकिन पता ये चलता है कि भाई कॉलेज जो है वो इतने किलोमीटर पे है और स्पेशली जो हमारी बेटियां हैं बेटियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो रोज़ इतना ट्रैवल नहीं कर सकती लड़के तो चले जैसे तैसे भी है बसीस की छतों पे बैठ के बसिस में ट्रैवल करके वो कॉलेज तक पहुंच जाते हैं लेकिन डिस्टेंट लर्निंग जो है इट्स अ बिग चैलेंज कि लड़कियाँ जो है वो दूर दराज कॉलेज़ में नहीं जा सकती और फिर जब एक लड़की एक लड़का मैट्रिक करता है इंटर करता है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसने एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन करनी है और एंट्री टेस्ट को हमने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना दिया हुआ है कि शायद पता नहीं क्या होगा और इसमें लकीली मैं अप्रिशिएट करूँगा यू लर्न को कि यू लर्न इज़ अ प्लेटफॉर्म कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के आप कॉलेज लेवल पे लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं और वो स्टूडेंट्स जो इंटर में आई मीन एफ प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग और आई की एजुकेशन लेना चाह रहे हैं और वो कॉलेज की फ़ीसिस अफोर्ड नहीं कर सकते वो एन टेस्ट की प्रप्रेशन के हवाले से महंगी एकेडमीस अफोर्ड नहीं कर सकते या एकेडमीज या कॉलेजेस उनके आई मीन I mean, जगह से दूर हैं वो नहीं अपनी बेटियों को दूर दराज के इलाकों में कॉलेजेस में भेज सकते तो यू लर्न इज़ अ प्लेटफॉर्म के आप घर बैठे अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आप घर बैठे ये सारी की सारी एजुकेशन ले सकते हैं लास्टली अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी एजुकेशन में अगर टेक्नोलॉजी को इम्बैक्ट कर दिया जाए और ये जो गैजेट्स हैं इनके ऊपर गलत चीज़ों की बजाय बच्चों को उनके पढ़ने के लिए मटीरियल दे दिया जाए ये किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है जस्ट लाइक द वे यू लर्न इज़ डूइंग तो हम कैसे कर सकते इन बच्चों के लिए इसका क्या बेनिफिट होगा और इनको इन तमाम मसाइल से हल करने के लिए टेक्नोलॉजी अपना क्या किरदार अदा कर सकती है ओके जिया यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स अबाउट टेक्नोलॉजी प्लस एजुकेशन तो आई वुड जस्ट से कि देर इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट इन गिविंग इन गेटिंग एजुकेशन बिकॉज जब हम टेक्नोलॉजी विद एजुकेशन की बात करते हैं तो देर वॉज अ वर्ल्ड बिफोर कोविड नाइन्टीन और फिर कोविड नाइन्टीन के दौरान हमने देखा कि स्टूडेंट्स uh, को घरों में बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन लेना पड़ी सो so, uh, दुनिया जो है वो इस वक्त रैपिडली टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और uh, आप देखेंगे कि uh, 2030 तक दुनिया में मिलियन जॉब्स जो हैं वो अपसलीट हो जाएंगी ड्यू टू तो टेक्नोलॉजी uh, इस वक्त आई uh, मीन I mean, मैं ये कहता हूँ कि ये तो सेंचुरी है ही टेक्नोलॉजी की और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एज ए सैड एयरियर के Uh, आज भी अगर एक स्टूडेंट ये शिकवा करता है कि जी मेरे घर के पास मेरे इलाके में कोई कॉलेज नहीं है कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कोई स्कूल नहीं है या मैं कोई स्किल नहीं सीख सकता तो आई आई थिंक वो बहुत आउटडेटेड uh, दौर में रह रहा है और मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से ये सारी की सारी चीज़ें आपको एम्पावर करती हैं कि आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से लैपटॉप पीसी की मदद से आप एजुकेशन ले सकते हैं आप ख़ुद को लेटेस्ट जो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की स्किल्स हैं चाहे वो मिडिल स्किल्स हैं चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हैं आप खुद को उन उन स्किल्स से एम्पावर कर सकते हैं एंड मोर देन डैट कि आप देखेंगे पाकिस्तान में माशाला ये जो आई टी स्किल्स हैं या जो एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी है ये इतनी बढ़ती जा रही है कि हम एक अंदाज़े के मुताबिक दो से तीन अरब डॉलर जो है वो इसमें कमा रहे हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी सो टेक्नोलॉजी अब एजुकेशन का लाजमी हिस्सा है और विद द पेस्ट ऑफ टाइम ये बढ़ता ही जाएगा तो जो स्टूडेंट्स जितनी जल्दी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे उतना ही उनके लिए बेहतर होगा कि वो अपने आप को अपडेटेड uh, स्किल से नॉलेज से एम्पावर कर सकें और यू लर्न इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब एंड आई थिंक यू पीपल आर द पाइन इन द कंट्री कि आप लोगों ने टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ एम्बेट किया है और आप uh, का सिस्टम इतना ज़बरदस्त है इतना अपडेटेड है बिकॉज मैंने विज़िट भी किया है इसको तो उसमें एक स्टूडेंट जो uh, किसी गांव में है ढोक में है किसी दूर दराज के इलाके में है तो वहाँ पर वो घर बैठे इसको एजुकेशन uh, को ले सकते हैं दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव थैंक यू सो मच साहब हमारे व्यूअर्स के लिए आई होप कि दिस सेशन वाज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव आपको एजुकेशन से रिलेटेड और इस लेवल के इस ग्रेड के बच्चों के लिए जो मसाइल हैं उनमें से कुछ को हमने यहाँ पर डिस्कस किया नो no डाउट बहुत सारे मसाइल हैं सबको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा सकता एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका जो मिक्सचर है जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे इस लेवल के बच्चों के लिए इनके तमाम मसाइल के हल के लिए बहुत मुफीद साबित होगा इन आप सबसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ